बहुत किच्ची हो गई। ओए होए उली उली उली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना रात का टाइम हो गया है। मैं जैसे ही मोबाइल उठा लूँ, मतलब एज यूजुअली हमेशा आ जाती है गोलू। तो अभी ना रात का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ना इडली और सांभर के लिए, वो इडली का ये यहाँ मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। गोलू तो मम्मा को बहुत हंसी दिलाती है, मम्मा सब भूल जाती है कि क्या बोलना होता है। तो मैंने ना इडली बनाने के लिए सोचा है कि वो भिगा देती हूँ दाल चावल। ओह ये सब कुछ तू ही बता देना, तू ही बोल देना, बोल तो वो मैं भिगा देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ना इडली सांभर बनाना मॉर्निंग में ही। हाँ अब देखो इनको निन्नी भी आएगी, अभी अच्छे से खेल रही थी, लेकिन जैसे मम्मा अगर कुछ करने लगे बाय, देख लो बाय कर रही, कह रही रख दो रख दो, इसका कुछ पसंद नहीं है इसके अलावा अगर मैं कुछ काम करूं। आए ले कितना प्यारा मैंने बेटू, ठीक है चलो। हाँ किस मम्मा को किस करो, अरे वाह इधर इधर करो, अरे वाह बस बहुत किच्ची हो गई। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है। देखो आगे इंट्रो भी नहीं ढंग से बनाने दिया मुझे। हाँ बाय बाय कर, इसका मन है कि बस मैं जल्दी फोन रख दूँ, इसलिए बाय बाय मुंह से कह रही है और हाथ भी हिला रही है। ठीक है चलो मैं आगे काम कर लेती हूँ। हाँ ओके ओके ठीक है बाय, हम रख देते हैं ओके हैप्पी। बेबी का मैंने फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया है टीवी में, ताकि वो उधर बिजी रहे, और मैं यहाँ पे दाल चावल और मेथी दाना अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से, और इसको भिगा दूंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर में पीस दूंगी, क्योंकि मुझे सुबह इडलियाँ बनानी है तो बैटर तो पीसना ही पड़ेगा ना अभी। और फिर अब रात का टाइम हो गया, हम लोग सोने के लिए जा रहे थे, बट हमारा को नींद ही नहीं आ रही, वो खूब खेल रही है, और मतलब पता है वो बेड पर चलेगी और अपने घर में पूरा चल लेती है खड़े होकर, मतलब बिना सपोर्ट के, बट जैसे किसी के घर जाएगी या जैसे कि रोड पर चलती है ना पार्क वगैरह में ना, तो वहाँ पे वो नहीं चलेगी, बोलेगी एक हाथ दो तभी चलेंगे। तो अभी इसका तो मतलब बाहर कॉन्फिडेंस नहीं है चलने का, बट घर में तो पूरा चलती है अब, जैसे कि किचन में आ जाएगी पूरा, टीवी वाले रूम में चली जाएगी पूरा पूरा खड़े होके। और उसके बाद हमारा भी सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो पापड़ वगैरह भून लेते, कुछ खाने का मन हो रहा था, तो इसमें आलू के पापड़ है, चिप्स है कुछ कलर्ड वाले, तो यही सब भूनूंगी। और नीतू ने ये पापड़ दिए थे, कुछ झारखंड के स्पेशल होते हैं, छोटे छोटे चावल के बने होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और ये साबूदाना और आलू का मिक्सचर के हैं, तो वही मैं सब भूनने जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो सारे बहुत निकाले बट इतना नहीं भूनूंगी। और ये नीतू ने दिया था कचरी सुखा के, तो ये देखो पापड़ मैं यहाँ पे भून रही हूँ। और पापड़ किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी मौसी ने पापड़ बना के दिए थे, बहुत सारे दिए थे, तो मैंने नीतू और अपनी एक दो फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, क्योंकि वो लोग हमें देते हम भी देते हैं उनको। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पापड़ भून गए हैं, और ये 3-4 दिन तक मैं खाऊंगी, एक ही दिन में थोड़ी ना इतना खा लूंगी। उली उली उली। अब मम्मा को खिला दो बेटू, ठीक है लाओ। देखो मेरे पास आएगी जानेगी, मुझे जानती है। मम्मा को खिला दो बेटू, मम्मा को उसका पापा ही ज़्यादा प्यारे हैं। खाना पीना हो गया है, और ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जैकेट ऑर्डर किया था वाइट कलर का, तो वाइट कलर उसे अच्छा लगता है, बट मेरे को समझ नहीं आता ना वाइट कलर कौन सी पैंट पे पहनूँ ये सब ना। मैं उनसे कही थी कोई और कलर कर लो, तो उन्होंने कहा यार ब्लैक तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत है, चलो वाइट ही कर लेते हैं, तो वाइट उन्होंने ऑर्डर किया है। तो चलो देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, बट अनबॉक्सिंग के टाइम बेबी पूरा उसके ऊपर बैठी जा रही, मतलब डर भी लग रहा ना कहीं फाड़ दे जैकेट पहले ही और उसको रिटर्न करना पड़े ना, तो उसको हम लोग पकड़ रहे हैं बार बार, बट वो मानती ही नहीं। देख लो कैसे मुझसे लड़ाई कर रही है, पूरा खींचातानी मचाए हुई है। तो देखो काफ़ी उसे प्यारा लग रहा है, आप लोग बताइएगी कि जैकेट आपको कैसा लग रहा है, और वाइट कलर पसंद है ब्लैक कलर पसंद है, मुझे तो वैसे ब्लैक ही पसंद है, क्योंकि मैं सारे कपड़े ज़्यादातर ब्लैक लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ना ब्लैक वाइट, उसके अलावा कुछ मुझे समझ ही नहीं आता है। तो उन्होंने एल साइज ऑर्डर किया है, तो देख लो मैं हमारा को बार बार उठा उठा कर रख रही हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही है, मैं उसको पॉलीथीन दे रही हूँ लेकिन वो समझना ही नहीं, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, उसको जैकेट चाहिए, मतलब अब जिद करने लगी ना बड़ी हो रही जैसे जैसे, और वो छोटा बच्चा उसको समझाओ भी तो वो भी नहीं समझेगा ना कि ये क्या कह रहे हैं, हम लोगों की लैंग्वेज अभी कहाँ समझती है।
तो देखो मैं चेन वगैरह देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहन के देख रहे हैं, तो वही मैं उनसे कह रही हूँ हाँ थोड़ा सा ज़्यादा फिटिंग लग रहा है, हल्का सा लूज होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट हमारा कोई ढंग से टेस्ट ही नहीं करने दे रही है ना, मतलब सॉरी ट्राई नहीं करने दे रही कि कैसा है। तो यहाँ पे देखो सांभर वगैरह सब बन गया, नेक्स्ट डे की क्लिप है ना, तो सांभर बन गया और मैंने यहाँ पे इडलियाँ भी चढ़ा दी मीनवाइल, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जैकेट मतलब पहन पहन के देख रहे थे ना, तब तक मैंने सोचा चलो इडलियाँ भी चढ़ा देते, वो भी पक जाएंगी। बटन वटन भी खोल लिया अपने आप ही, इसमें बटन लगी हुई है ये देखो मतलब बंद थी फिर भी इसमें, फिर रख दो फिर खोलेगी, बटू बटू रख दो, लो देखते हैं, रुको 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 सब हम रख देंगे बिट्टू, आप ना खोल नहीं पाओगे अब, देखो खोलेगी खोल दिया, बहुत तेज लड़की है, एक बार बस देख ले कुछ होते हुए। और ये रहा बेबी फूड, इसमें मिल्क है और ये बनाना है जिसको मैं मैश कर देती हूँ अच्छे से, मतलब अभी मैश अच्छे से नहीं हुआ और मैश करूँगी फिर अमायरा को ही खिला दूँगी, क्योंकि अभी वो सॉलिड फूड ज़्यादा नहीं खा पाती है। हेलो ओए होए, देखो क्या कर रही है, बर्ड दिख गया, बर्ड वो देखो बर्ड, बर्ड देख रही है, अरे वाह है ना, उधर जाना है उसको डॉगी के पास जाना है, चलो 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 जा ये हम लोग काफ़ी सारी आलू लाए थे, तो आलू में ना छोटे छोटे पेड़ निकलने लगे हैं, क्योंकि ये शायद पुरानी आलू है ना, तो ये भी मुझे सारे तोड़ने हैं इनके पेड़ ने, तो यहीं पे ना बहुत बड़े पेड़ निकल आएंगे, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं सारे तोड़ना। ओ ओ ओ आ आ आ आ